इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना कैसे बुक ऑर्डर करना कैसे कन्वर्जन करना अगर आपका एग्जाम जून 24 में है या दिसंबर 24 में है तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे बुक कैसे डाउनलोड करना स्टडी मैट इसके बारे में बताएंगे बुक कैसे ऑर्डर करना इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे साथ में आपका क्या सिलेबस होगा इसके बारे में भी गाइड करेंगे जो लोग ऑलरेडी सी फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं न्यू कोर्स में कैसे कन्वर्जन करना इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि सीए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए साथ में चार्टेड स्टडीज तो गाइडेंस प्रोवाइड करता ही करता है साथ में अपडेट अनाउंसमेंट भी प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन कैसे करना एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना आपको पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट चार्टेड स्टडीज पे ही मिलता है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अब बात कर लेते हैं डिटेल में आज के डेट में एफ रिलीज कर दिए इस वीडियो में सी फाउंडेशन न्यू कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कब रजिस्ट्रेशन करना कब कन्वर्जन करना आज के डेट में फर्स्ट जुलाई 2023 के डेट में सीए न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त 2023 से और कन्वर्जन भी स्टार्ट होगा 2 अगस्त 2023 से ही सी फाउंडेशन न्यू सिलेबस का एग्जाम होगा फर्स्ट एग्जाम होगा जून ट्वेंटी में जो लोग 2 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको न्यू कोर्स में एग्जाम देना तो उनको कन्वर्जन करना पड़ेगा और बाकी जो लोग 2 अगस्त और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे कोई कन्वर्जन नहीं सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा सीए फाउंडेशन कोर्स में तो वो लोग सीधा सीए फाउंडेशन का एग्जाम जून ट्वेंटी में दे सकते हैं सीए न्यू स्कीम में तीन लेवल होता है फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल और साथ में एक और है सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल सी फाइनल के साथ इंक्लूड है हाउ टू रजिस्टर्ड सी फाउंडेशन न्यू कोर्स एस एस पी पोर्टल पे लॉग इन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दो अगस्त को डिटेल वीडियो आ जाएगा सी ए फाउंडेशन न्यू कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना उस वीडियो को देख करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा सी ए फाउंडेशन कोर्स में कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग टेंथ के बाद तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लेकिन एग्जाम में अपियर तभी कर सकते हो सी ए फाउंडेशन के जब आप लोग ट्वेल्थ के एग्जाम में अपियर हो चुके हो उसके बाद ही सी ए फाउंडेशन के एग्जाम में अपियर कर सकते हो न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन फी कितना होगा नाइन थाउजेंड रुपया होगा पहले जो था वही रहा इस बार भी रजिस्ट्रेशन फी के अंदर में बुक का फी इंक्लूडेड होता है सीए कोर्स का प्रोस्पेक्ट और स्टडी मैट कैसे मिलेगा सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन मेल मैसेज रिसीव हो जाएगा इसके बाद सी का मेल आ जाएगा इसके बाद बुक ऑर्डर कर सकते हो तो पहला काम है कि सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा इसके बाद सी का मेल आएगा और आप लोग सी डी एस के वेबसाइट से बुक ऑर्डर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कैसे करना बुक कैसे ऑर्डर करना न्यू कोर्स में डिटेल वीडियो आएगा स्टूडेंट्स देखो आप लोग के बाद तो कभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इलेवेंथ में ट्वेल्थ में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लेकिन एग्जाम में तभी अपियर कर सकते हो जब आप लोग ट्वेल्थ के एग्जाम में अपियर किए रहोगे उसके बाद ही तो मेरे हिसाब से जब आप लोग ट्वेल्थ में आना उसी समय रजिस्ट्रेशन करना टेंथ के बाद मत करना मान लेते अभी स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ में अभी जो ट्वेल्थ में ट्वेल्थ का एग्जाम कब होगा मार्च और अप्रैल में तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा वो चाहे तो जून 24 में अपना पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं इसके लिए करना क्या होगा दो अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दो अगस्त और दो अगस्त के बाद स्टूडेंट साल में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दो बार होता है जून और दिसंबर में तो आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद फोर मंथ का स्टडी पीरियड कम्प्लीट करना होता है जिन भी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को जून 24 में एग्जाम देना तो आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन करने का फर्स्ट फरवरी 2024 और जिनको दिसंबर फोर में एग्जाम देना तो फर्स्ट अगस्तेंड ट्वेंटी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए कोई सेपरेट फॉर्म फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फी तो आप पेमेंट करोगे ही करोगे अगर आपको जून में एग्जाम देना तो जून का एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होगा आपको फरवरी से अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देना तो दिसंबर का एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से होगा अगस्त से एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना होता है इस सब पे डिटेल वीडियो आएगा कब फॉर्म फिल करना होता है डेट जब आएगा तो सब कुछ अपडेट चार्टे स्टडीज करेगा सी फाउंडेशन न्यू सिलेबस में कितना पेपर होगा टोटल चार पेपर होगा अकाउंट्स हंड्रेड मार्क्स का बिजनेस लॉ हंड्रेड मार्क्स का मैथ्स भी हंड्रेड मार्क्स का और इकोनॉमिक्स भी हंड्रेड मार्क्स का पेपर नंबर जो टू होता है लॉ लॉ के साथ पहले इंग्लिश भी होता था बीसीआर इसको न्यू सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है स्टूडेंट्स और साथ में पेपर नंबर जो फोर होता है इसमें भी बीसीके होता था बीसीके को रिमूव कर दिया गया इकोनॉमिक्स तो पूरा हंड्रेड मार्क्स का होगा सीए फाउंडेशन जून ट्वेंटी फोर का न्यू सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करोगे तो आप लोग आई ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे आई ए आई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो ऊपर में न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शो करेगा उस पे क्लिक कर देना सिलेबस पे क्लिक करना फिर उसके बाद फाउंडेशन पे क्लिक करना ये रहा सी ए फाउंडेशन न्यू सिलेबस जून ट्वेंटी फोर एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए इसको मैंने चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टर स्टडीज और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सी ए फाउंडेशन का एग्जाम साल में दो बार होगा जून और दिसंबर में पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं पेपर वन एंड पेपर टू सब्जेक्टिव होगा पेपर थ्री एंड पेपर फोर ऑब्जेक्टिव होगा पेपर वन अकाउंट्स हो जाएगा पेपर टू आपको लॉ हो जाएगा दोनों सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू मैथ्स और इकोनॉमिक्स होगा दोनों एमसीक्यू पेपर में सब्जेक्टिव पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता एमसी पेपर जो की ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें जीरो पॉइंट टू फाइव का निगेटिव मार्किंग रहेगा क्या होगा पासिंग क्राइटेरिया पर पेपर में पास करने के लिए फोर्टी परसेंट यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको चालीस नंबर चाहिए एग्रीगेट आपको फिफ्टी परसेंट चाहिए यानी कि पासिंग क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया सीए फाउंडेशन कोर्स का वैलिडिटी कब तक होगा चार साल के लिए होगा इसमें टोटल आप आठ बार एग्जाम में कर सकते हो तो बहुत बड़ा जो चेंजेस ये है कि सीए फाउंडेशन कोर्स में आप रिवेलिडेट नहीं कर सकते यानी कि टोटल आपको एट ही अटेम्प्ट दिया जाएगा पॉइंट नंबर सिक्सटीन में इसके बारे में बताया गया है कि न्यू कोर्स में आप लोग रिवेलिडेट नहीं कर सकते हो आप लोग अगर आठ बार एग्जाम देते हो फिर भी पास नहीं करते हो तो एक और मेथड रहेगा सीए करने के लिए डायरेक्ट एंट्री तो उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ेगा इंटरमीडिएट एफ पे जल्द ही डिटेल वीडियो आ रहा है स्टूडेंट्स तो इसके बाद वो वीडियो आ जाएगा आपको सीए फाउंडेशन का स्टडी मैट डाउनलोड करना है तो आई सी आई ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्लिक करके स्टडी मैट पे क्लिक करके फाउंडेशन पे क्लिक करके चारों पेपर का स्टडी मैट डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो तब तक बाकी न्यूज बस का जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना डिटेल वीडियो आ जाएगा बुक कैसे ऑर्डर करना डिटेल वीडियो आ जाएगा आपके मन में कोई एडिशनल डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो और लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ स्टूडेंट्स अभी तक सी ए फाउंडेशन जून ट्वेंटी फोर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ नहीं कन्वर्जन स्टार्ट हुआ दो अगस्त से स्टार्ट होगा दो अगस्त को डिटेल वीडियो मिल जाए कैसे रजिस्ट्रेशन करना कैसे बुक ऑर्डर करना और जो लोग दो अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको एग्जाम देना जून ट्वेंटी फोर में तो उनको कन्वर्जन करना पड़ेगा कैसे कन्वर्जन करना डिटेल वीडियो इस चैनल पे आएगा तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए आपके मन में कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे पूछ सकते हो